कि किसी ने टच नहीं करा हमारे साथ। दो पाकिस्तान से थे लड़के, वो भी हमारे थ्रू ही निकले थे। इवनली वो जय हिंद जय भारत के नारे भी लगा रहे थे हमारे साथ। बहुत हेल्प करी। एंड जैसे हम लोगों ने बस में इंडिया का झंडा लगाया, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बस में वो हमारी बस को रोके। आखिर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट वो बुक तो थी, बट वहाँ के जो लोकल पैसेंजर थे वो ही चढ़ने नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये हमारा देश है, सबसे पहले हम जाएंगे। वो कुत्ते छोड़ दिए मेरे दोस्त के ऊपर उन्होंने। अगर वो मेरा दोस्त जैसे तैसे ट्रेन पे चढ़ गया, बट एक ही वो इकलौता था जो चढ़ पाया, बट अगर वो चला जाता तो वो उसको डेफिनेटली वहाँ मार मार के उसको या तो फिर मार ही देते, बट वो बहुत टॉर्चर करते उसे। फिर हम लोग ट्रेन से विनीसिया गए। विनीसिया में हम लोगों ने, यूक्रेनियंस ही थे वो, बहुत ही इंडियन हॉस्टल था। नवदीप पाजी सर हैं हमारे ब्राइट फ्यूचर के, उन्होंने हेल्प करी। वहाँ पे हॉस्टल बुक था, वहाँ पे हम लोगों ने एक रात काटी। सुबह हम लोगों ने बस करी अपने पैसों से, फिर हंगरी बॉर्डर की तरफ निकले हम लोग। हंगरी बॉर्डर में भीड़ नहीं थी क्योंकि सब कुछ ही पहले से प्लान था, इंडिया के झंडे थे, किसी ने हमारी बस नहीं रोकी। इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलूँगा मैं। हमारे मेरे अपार्टमेंट के ही नीचे एक हाईवे था, वहाँ से रेगुलर मैं देख रहा था आर्मी के टैंक्स जा रहे थे। कुछ टैंक्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, वो टैंक्स भी जा रहे थे, कुछ लड़ने के लिए जा रहे थे, आर्मी जा रही थी। और कर्फ्यू चला दिया था उन्होंने, मार्शल लॉ कर दिया था, जिसे 5 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं जा सकते थे। अगर गलती से भी निकलते तो वो एनिमी डिक्लेयर करके ऑन द स्पॉट हमें शूट कर देते। भारत सरकार ने उठाया, कदम उठाया, थोड़ा सा लेट उठाया, बट उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। एंड जैसे हम लोगों ने बस में इंडिया का झंडा लगाया, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बस में वो हमारी बस को रोके। काफ़ी लंबा जाम था। फिर इस बात पे पूरी पूरी सच्चाई है कि किसी ने टच नहीं करा हमारे साथ। दो पाकिस्तान से थे लड़के, वो भी हमारे थ्रू ही निकले थे। इवनली वो जय हिंद जय भारत के नारे भी लगा रहे थे हमारे साथ, और हम लोगों के साथ वो बॉर्डर क्रॉस करे इंडियन एम्बेसी की मदद से, हमारी इंडियन फ्लैग की तरह से। और फिर हंगरी बॉर्डर क्रॉस करते ही जैसे हम लोग हंगरी के स्टेशन में पहुंचे, रेलवे स्टेशन में, मिनिमम 6 आवर्स का था ट्रैवल हमारा हंगरी बॉर्डर से। तो वहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी उन्हें वापस लेगी, और हम लोग फिर अपनी एम्बेसी की मदद से, वहाँ पे एनजीओ था एक, उन्होंने हमारी हेल्प करी। फिर वहाँ पे हंगरी में हम लोगों ने होटल बुक करवाया। बस ये पूरा एक हफ्ता हो गया था। हम लोग वहाँ से 2 फरवरी को था ये सब स्टार्ट हुआ, और मिनिमम एक हफ्ता हो ही गया था। इतने टेंस थे कि ना सो पा रहे थे ना खा पा रहे थे, खाना पीना ख़त्म हो रहा था। एम्बेसी से भी खाना आया था लेकिन सड़ा हुआ था, वो 2 दिन पुराना। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं, सदा इसी तरह हमारी हेल्प करते रहे, और बहुत अच्छा किया उन्होंने, तभी हमारे घर में पहुँचा। आखिर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मोदी जी का कभी एहसान नहीं भूलेंगे हम।